इस वाले वीडियो के अंदर अपन सीख रहे होंगे कि सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद टू स्टैंडर्ड पैरेलल या फिर दो मानक अक्षांशों वाला शंकु प्रक्षेप किस तरह से बनाते हैं, ये सीख रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास प्रश्न है कि 20 डिग्री उत्तर से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित 10 डिग्री अंतराल तथा इतनी मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में 40 डिग्री उत्तर तथा 60 डिग्री उत्तर अक्षांश वृत्तों को मानक अक्षांश मानिए। तो अपने को यहाँ पर क्षेत्र का विस्तार दे रखा है, अपने को यहाँ अंतराल दे रखा है, मापनी दे रखी है और यहाँ पर अपने को मानक अक्षांश दे रखा है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन जो है वो गोले का अर्धव्यास निकालते हैं, यानी आर की वैल्यू निकालते हैं। और आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 6350000 बटे के अंदर जो निरूपक भिन्न दे रखी होती है उसका हर, तो ये हो गया 125000000। इसको भाग देने के ऊपर अपना उत्तर सेंटीमीटर।